आज वैलेंटाइन डे है तो प्यार की ये कहानी भी खास है। करवा चौथ पर व्रत तोड़ने की ये तस्वीर देखिए। आमतौर पर एक महिला और एक पुरुष दिखता है, लेकिन इसमें दो लड़के दिख रहे हैं। रस्में वही हैं जैसी होती हैं, पर फील पूरा दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे से लेकर शुभ मंगल ज्यादा सावधान तक का है। मतलब प्यार तो वही है जो होता है, पर ये प्यार दो लड़कों के बीच है। ये दोनों लड़के शादी कर चुके हैं और मर्जी से साथ रहते हैं, परिवार को बता चुके हैं और बिल्कुल ऐसे ही रहते हैं जैसे पति पत्नी। दोनों करीबन 12 साल से साथ रह रहे हैं। कहते हैं एक दूसरे के साथ अच्छा समय स्पेंड किया है, कई बार परेशानियां आई लेकिन एक दूसरे के साथ हमेशा खड़े रहे। ऑब्वियसली एज अ चाइल्ड बहुत सारे बैटल्स होते हैं। आप फील कुछ और करते हो, बट आपको सोसाइटी के लिए या फैमिली के लिए आपको कुछ और किसी और तरीके से बिहेव करना पड़ता है। सो वो आपके माइंडसेट पे बहुत ज्यादा प्रेशर डालता है, और वो प्रेशर मैंने भी फेस किया है और हमारे जैसे बहुत लोगों ने सेम चीजें फेस करी होगी। बट कमिंग अराउंड कि उससे आगे कैसे निकले या नेक्स्ट स्टेप क्या लिया, आई थिंक मेरा नेक्स्ट स्टेप यही था कि आई गॉट मोर इन्वॉल्व्ड इनटू अंडरस्टैंडिंग। इंदर और आशीष मुंबई में रहते हैं। इंदर ने आशीष को प्रपोज किया था, इसके बाद दोनों ने अपने परिवार को बता दिया। उसके बाद वही समस्याएं हुई जो किसी परिवार को बताने में होती है कि बेटा समलैंगिक है। यू मेंशन अर्लियर कि लेकिन आशीष से कनेक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो ऑब्वियसली आई वाज द वन हु प्रपोज्ड हिम फर्स्ट एंड सो इट्स बीन 12 इयर्स गोना कंप्लीट दिस ईयर और हम साथ में हैं एंड नाउ टचवुड कि थोड़ा टाइम लगा फैमिली से ओपन अप होने के बाद में उनको अंडरस्टैंडिंग करने के लिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमारा बेटा इज अ एलजीबीटी कम्युनिटी से। भारत में समलैंगिक शादी को मान्यता नहीं है, पर प्यार तो प्यार है, हो गया। दोनों को कई बार लगा क्यों ना देश ही छोड़ दे। हम लोगों ने एक रेंटल घर लिया और तभी हमारे लाइफ में 377 बाहर था, सेक्शन 377। बट 2013 में व्हेन इट केम बैक टू आवर लाइफ कि आप लोग क्रिमिनल हो और यू नो सेक्शन 377 फिर से लगा दिया हमारे ऊपर, तब बहुत प्रॉब्लम फेस हुई थी कि वेयर हमारे नेबर्स को फील हो रहा था कि दे आर नॉट टू फ्रेंड्स हु इज स्टेइंग टुगेदर, और तो उन्होंने थोड़ा कंप्लेन किया हमारे लैंडलेडी को और फिर लिटरली हमको बोला गया कि आप लोग को घर शिफ्ट करना पड़ेगा बिकॉज द सोसाइटी इज नॉट कंफर्टेबल विद यू गाइस। आशीष और इंदर की कुछ समय पहले एक करवा चौथ की रील इतनी वायरल हुई कि वो आज मशहूर समलैंगिक कपल है। अच्छी बात ये है कि दोनों अपने फैसले से खुश हैं और जमाने की परवाह नहीं करते। हमारे लिए तो ऐसे कुछ बना नहीं है। हाँ। कि एक को फास्टिंग करना है एक को नहीं करना, एंड एंड हमारे लिए वो एक जो होता है फास्टिंग वाला पार्ट, वो एक बंदा या बंदी जो अपने हस्बैंड के लिए फास्ट करती है एंड फॉर लंबी उम्र के लिए, तो द सेम रीजन वी टुक कि हम दोनों को एक दूसरे की लंबी उम्र के लिए फास्ट करना चाहिए।